अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका वही आपका दोस्त मोहम्मद अहमद। आज की वीडियो तो वैसे यार बहुत ज़्यादा सिंपल है, काफ़ी बेसिक है, लेकिन यही वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल भी साबित हो सकती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भाई आप दराज के ऊपर कैसे कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई भी चीज़ ऑनलाइन परचेज करने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आप फ्रॉड से बच सकें, आप जो चीज़ खरीदना चाहते हैं आपको बिल्कुल वही चीज़ मिले। ये जानने के लिए आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि भाई आप किस तरह ऑनलाइन चीज खरीद सकते हैं, वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दें। मेरा मशवरा है कि आप पूरी वीडियो को देखें ताकि आपको एक बेहतर नॉलेज मिल सके। आज के दौर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दराज को या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां से ऑनलाइन चीजें खरीदी जाती हैं, वो ये समझते हैं कि भाई सब कुछ फ्रॉड होता है, दराज बिल्कुल फ्रॉड है। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह दूंगा, कोई एक दुकानदार है, समझदार दुकानदार है, वो कभी भी अपने कस्टमर को कोई गलत चीज नहीं देगा, क्योंकि वो ये समझता है, वो ये जानता है, उसको ये पता है कि अगर वो कोई गलत चीज दे रहा है तो वो बंदा जिसको वो गलत चीज़ दे रहा है वो दोबारा इस दुकान पे नहीं आएगा। दोबारा तो वो आएगा ही नहीं, लेकिन वो दूसरे लोगों को भी यही कहेगा यार कि ये फलानी दुकान पे नहीं जाना, वो आपके साथ फ्रॉड करेगा, तो इस तरह उस दुकानदार की दुकानदारी ख़राब होगी। तो एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा दुकानदार कभी भी आपके साथ इस तरह फ्रॉड नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसके अपने बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अब ऑनलाइन की साइड पर चले जाएं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, चाहे वो सेल परचेज वाले हैं, कोई प्रोडक्ट उसके ऊपर सेल हो रही है, या फिर फ्रीलांसिंग में है, इसमें आपको रेटिंग सिस्टम मिलता है। यानी कि कोई भी बंदा उस जहाँ पे जाके चीज़ परचेज कर रहा है, परचेज करने के बाद वेबसाइट उसको ऑप्शन देती है कि भाई आपने ये चीज़ परचेज की, आप इस प्रोडक्ट को रिव्यू करें, इस जो सेलर है बेचने वाले हैं इसकी चीज़ को आप रिव्यू करें, उसके ऊपर आप अपने रिव्यूज़ दें, स्टार्स के ज़रिए से आप इसकी रेटिंग को डिफाइन करें, बताएं कि भाई ये प्रोडक्ट कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। इससे आने वाला जो कस्टमर होते हैं, जो नेक्स्ट उसके कस्टमर आएगा, उसको उन रेटिंग को देखते हुए अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। यही फार्मूला बहुत सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ना बहुत सारी जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर कोई वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर, आप कोई वीडियो देख रहे हैं, सेम यही फार्मूला अप्लाई करते हुए आप यहाँ पर भी किसी वीडियो की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं कि लाइक्स या डिसलाइक्स से आप उस वीडियो के अच्छे या बुरे होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं, बजाय इसके कि आप पूरी वीडियो देखने के बाद कहें कि भाई इसने तो मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। मन यूट्यूब की जो वीडियोस होती हैं उसके ऊपर आप लाइक्स और डिसलाइक को बंद भी कर सकते हैं, लोग नहीं देख सकते, कमेंट्स को ऑफ भी कर सकते हैं, लोग नहीं देख सकते, या फिर कुछ स्पेसिफिक कुछ खास कमेंट्स को आप डिलीट भी कर सकते हैं कि भाई ये वाले जो बुरे कमेंट्स हैं ये नज़र ना आए। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जो जिन पे रिव्यूज़ दिए जाते हैं, वो रिव्यूज़ डिलीट नहीं हो सकते, चाहे वो रिव्यूज़ अच्छे हों या फिर बुरे हों। अगर आप मज़ीद उसके डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उसके रिव्यूज़ में चले जाएं, आप देखें लोगों ने ब्रीफली उसको एक्सप्लेन किया होता है कि भाई ये प्रोडक्ट इतनी अच्छी है इतनी बुरी है। उसके अलावा अगर आप मज़ीद गहराई में जाके उसकी चीज़ की क्वालिटी को जानना चाहते हैं, दराज और बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, सेल परचेज वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सहूलत मौजूद होती है, जब आप एक चीज़ को परचेज कर लेते हैं आपके पास आती है, आप उसकी तस्वीर बना के उसका रिव्यू वहाँ पर डाल सकते हैं, बारे में वजाहत कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यूज़ देखने को मिलेंगे, चीज़ आपको डिलीवर हो के मिलेगी, उसकी बिल्कुल आप तस्वीर चेक कर सकते हैं कि जो इससे पहले लोगों ने परचेज़ की उनके पास किस तरह की प्रोडक्ट जा चुकी है, लोगों ने बड़े ही ज़बरदस्त रिव्यूज़ उसके नीचे दिए होते हैं, तो उससे आप गैस कर सकते हैं कि भाई आपको ये प्रोडक्ट ख़रीदनी चाहिए या फिर नहीं ख़रीदनी चाहिए। अमूमन हमारे साथ कहाँ पर फ्रॉड होता है, जब हम ऑनलाइन परचेज़ कर रहे होते हैं, जब हम कोई चीज़ चेक कर रहे होते हैं ना तो हम उसकी कीमत कम देख के उसको परचेज़ कर लेते हैं, हम उसके रिव्यूज़ नहीं चेक करते, हम उसके स्टार जो होते हैं, हम उसकी जो रेटिंग होती है उसको बिल्कुल चेक नहीं करते। ज़्यादातर जो न्यू सेलर्स होते हैं, जो नए नए दुकानदार दराज पे आए होते हैं ना, जिनकी दुकानें छोटी होती हैं, ज़्यादातर वही फ्रॉड करते हैं, क्योंकि दराज की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं कि अगर आप गलत प्रोडक्ट भेज रहे हैं, रिटर्न ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस तरह की ना ज़्यादा पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से दराज उनकी शॉप्स को बंद भी कर देता है। इस वजह से जो न्यू सेलर्स होते हैं वो इतना नहीं होता कि भाई गलत चीज़ चली भी गई तो एक स्टोर बंद हो जाएगा, तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन जिनके स्टोर बड़े हो चुके होते हैं, जिनके पुराने स्टोर होते हैं, जिनकी रेटिंग ज़्यादा होती है, कभी भी आपके साथ फ्रॉड नहीं करेंगे। और इसके अलावा आप कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसकी मज़ीद तसल्ली करने के लिए, वो सेलर है उसको
के साथ बकायदा मैसेज पे जाके उस पर बात भी कर सकते हैं। मज़ीद आप उनसे कोई क्लियर करना चाहें, उनसे कोई चीज़ मज़ीद मालूम करना चाहें तो आप मैसेज के ज़रिए से उनसे मालूम कर सकते हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट, आपने अगर कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो आपने कैसे परचेज़ करनी है। आपने दराज की एप्लीकेशन खोल लेनी है। दराज की एप्लीकेशन आपने जो चीज़ परचेज़ करनी है तो डेफिनेटली आपको ही पता होगा कि भाई आप क्या चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं, वो चीज़ आपने दराज पर यहाँ पर सर्च करनी है। सेम वही फार्मूला अब यहाँ पर लगाएंगे कि भाई हमने ये देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट का रेट हमने चेक कर लेना है। हमने रेट को ज़रूर फोकस में रखना है। अगर आप समझते हैं कि भाई एक चीज़ 3,000 की मिल रही है और वही चीज़ दराज पे एक बंदा 1,000 रुपये की दे रहा है, कैसे कैसे मुमकिन है कि एक चीज़ है ही 3,000 की और एक बंदा 1,000 रुपये की दे रहा है, तो समझ लें कि कहीं ना कहीं कोई ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ तो ये कॉपी हो सकती है, दो नंबर हो सकती है, लाइक कुछ इस तरह का। तो आपने इतनी ज़्यादा लालच भी नहीं करनी कि इतनी ज़्यादा सस्ती चीज़ भी परचेज़ नहीं करनी। अच्छा, वो वाली प्रोडक्ट आपने ओपन कर ली। ओपन करने के बाद अब आपने इसकी रिव्यूज़ चेक किए, इसके नीचे जाके रिव्यूज़ देखेंगे। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के इसके नीचे रिव्यूज़ किए होंगे, प्रोडक्ट कितनी अच्छी है, किस तरह की है, कलरिंग क्या है, ब्ला ब्ला। मज़ीद अगर आप वो जैसे कि मैंने पहले बताया, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, तसल्ली के लिए टेलर को मैसेज कीजिए, आप उससे पूछ लीजिए कि भाई ये वाला मॉडल अवेलेबल है, ये कलर अवेलेबल है, साइज वगैरह जो भी आप उससे मालूम करना चाहें वो आप बिल्कुल उससे मालूम कीजिए। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं तब बाय नाउ पे क्लिक कर लें, या फिर अगर आप बाद में ख़रीदना चाहते हैं, फिर भी उसको आप अपनी टोकरी में रखना चाहते हैं तो आप ऐड टू कार्ट कर दें, तो वो आपके पास महफूज हो जाएगा, आपकी लिस्ट में आ जाएगा। आप अभी अभी उसको ऑर्डर करना चाहते हैं, ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, बाय नाउ पे क्लिक कीजिए। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो आपकी डिटेल मांगेगा। अगर आपने ऑलरेडी अपनी डिटेल कोई चीज़ परचेज की थी तो वो ऑलरेडी आ रही होगी, लेकिन अगर आपने परचेज़ नहीं की तो यहाँ पर वो कैसे डिटेल मांगेगा कि भाई आपका एड्रेस क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है, बला बला कुछ यहाँ पे चीज़ें वो आपसे मांगेगा। चीज़ें आपने दे देनी है, वो मुझे नहीं पता कि भाई आपका ईमेल क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है। इसके अलावा वो आपसे पेमेंट मेथड भी मालूम करेगा कि भाई आप किस पेमेंट मेथड के ज़रिए से पैसे देना चाहेंगे। आप उसके ज़रिए सेलेक्ट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट के ज़रिए देना चाहते हैं या फिर कैश ऑन डिलीवरी रखना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ़ दी पाकिस्तानी हम लोग जो है ना कैश ऑन डिलीवरी ही करते हैं, तो आप कैश ऑन डिलीवरी रख सकते हैं एंड दैट्स इट। ऑर्डर जब प्लेस हो जाता है तो उसके बाद उसका नोटिफिकेशन भी आ जाता है आपको और उसकी ईमेल भी आपको मौसूल हो जाती है। इसकी जो टाइम लिमिट होती है 7 दिन होती है, 7 दिन के अंदर अंदर वो प्रोडक्ट आपको मौसूल हो जाएगी, लेकिन अमूमन 2 से 3 दिन के अंदर वो प्रोडक्ट आ जाती है, लेकिन मैक्सिमम जो इसकी टाइम लिमिट होती है वो 7 दिन होती है। इसके अलावा मज़ीद भी 1-2 दिन के अंदर इसके आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे कि भाई आपकी प्रोडक्ट वहाँ से रवाना हो चुकी है, अब डिलीवर हो चुकी है, आप अपने पैसे तैयार रखें, प्रोडक्ट आपके पास पहुंचने वाली है। तो यहाँ इस तरह आप प्रोडक्ट कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं और आप अपने पास मंगवा सकते हैं। बिलफर्ज इतने सारे असूलों पर अमल करने के बाद भी आपको कोई गलत प्रोडक्ट मौसूल हो जाती है, कलर चेंज है, मॉडल सही नहीं है, या फिर कोई चीज़ टूटी हुई है, या फिर जो चीज़ दराज में आपको दिखाई गई है, जो तस्वीर वहाँ पर लगी हुई है, ये वो वाली चीज़ नहीं है, तो अब आप इस चीज़ को वापस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि आप इस प्रोडक्ट को कैसे रिटर्न कर सकते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है जिसमें आपको बताया गया कि आप दराज की प्रोडक्ट को कैसे रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की टिप्स आपको पसंद आई होंगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम।